प्लस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। शहर के काशीनाथ मोड़ के समीप एक निजी होटल में BIIT के द्वारा संस्थान में अध्ययनरत CTET में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि जदयू प्रदेश सचिव डॉक्टर चंदन कुमार यादव ने उत्तीर्ण छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया। मौके पर वशिष्ठ अतिथि के रूप में कलाकार उदय कुमार एवं छात्र जदयू नेता उत्तम कुशवाहा भी उपस्थित हुए। BIIT के छात्र छात्राओं के मेडल देकर हौसला अफजाई किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर चंदन कुमार यादव का BIIT के छात्र छात्राओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं निदेशक रवि कुमार ने अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। मौके पर डॉक्टर यादव ने कहा कि BIIT के निदेशक और यहां सभी शिक्षकों का अपने छात्र छात्राओं के प्रति गहरा लगाव रखते हैं और इसका परिणाम है कि गया ही नहीं इसके आसपास के जिलों के छात्र छात्राएं यहां अध्ययन करने आते हैं, जिसका आज परिणाम है कि BIIT CTET में 470 छात्र छात्राओं ने 358 से ज्यादा विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। मौके पर BIIT के गणित के शिक्षक कुंदन कुमार, पप्पू कुमार, नीतीश उर्फ हलचल, सामान्य ज्ञान के शिक्षक कुंदन कुमार, प्रेम कुमार, अविनाश कुमार, सुरेंद्र कुमार आदि सभी शिक्षक एवं हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। कि गया जैसे छोटे शहर में भी BIIT आज एक अच्छा काम कर रहा है। जो छात्र छात्राएं बच्चों का हुजूम देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटे परिवार से, क्योंकि हमारा गया शहर बहुत ही आर्थिक रूप से और बहुत तरीके से कमज़ोर भी रहा है, लेकिन BIIT संस्था जो है वो हर एक तरीके से हर बच्चों को शिक्षा पहुंचा रहा है। तभी आज ये गौरव का दिन प्राप्त हुआ है कि सभी संस्थानों में आज बिहार के जितने भी संस्थान हैं सबसे अधिक परिणाम आया है BIIT का। तो इसके लिए इसके निदेशक रवि कुमार जी हैं और जो भी इनके शिक्षक गण हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो दिया है उसी का परिणाम बिहार के सामने है। साथ साथ तमाम छात्र छात्राओं का ही मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो लगन के साथ पढ़ करके बिहार का और गया का जो नाम रोशन किया है, मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि वो देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा करके अपना नाम रोशन करें। मैं तमाम BIIT के शिक्षकों का, हलचल सर का और कुंदन सर और जितने भी यहाँ शिक्षक गण हैं सभी अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इनके लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ। देख नहीं नहीं देखिए शिक्षा माफियाओं के हाथ में नहीं जा रहा है। कुछ लोग हैं, ये हर संस्था के रूप में देखिएगा कि कुछ लोग गड़बड़ सड़बड़ करने वाले रहते हैं, लेकिन सरकार किन्हीं भी चीज़ों पर बख्शने वाली नहीं है। जो गड़बड़ करने वाले लोग होंगे वो सचेत भी रहते हैं, जेल भी उनको हम लोग भेजते हैं। आप देख लीजिए कि बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है और इसमें सरकार ने साइकिल योजना, मध्याह्न योजना और अनेक योजना चला करके समाज के सबसे अंतिम पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सशक्त करने का काम किया है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि उसकी गरीबी और उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। इसके लिए नीतीश कुमार जी ने पहल किया। पहले का जो रेशियो था, विद्यालय तक बहुत कम बच्चियां पहुंच पाती थी, साइकिल योजना आज देख लीजिए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।